गंभीर रूप से चार घायलों का ग्रोहा मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अस्पताल में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। वहीं एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर बाहर से लोगों को बुलाकर उन पर हथियारों से हमला करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले लोगों के पास देसी कट्टे थे और दूसरा पक्ष इसे पहले पक्ष की गलती करार दे रहा है। मामला दोनों पक्षों के बीच बोरवेल और रास्ते को लेकर बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो झगड़ा हुआ है टोहाना में, आप देख पा रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अग्रोहा मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जमीन विवाद ये पूरा था जिसके बाद इन सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोहाना की तस्वीरें और देख पा रहे हैं आप, सात लोग इसमें जख्मी हुए हैं और पुलिस ने बनती कार्रवाई शुरू कर दी है। काफी टाइम से चल रहा है, कल भी मेरे भाईचारे ने ते कुछ लोगों ने आके मैं धमकी दी उन्होंने के साथ तो मैं दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे, उठे थे जब हमारे पा मना बोलिया मैं भज लिए, कुछ बंदे जो उनके साथी थे वो रस्ते में खड़े थे। बकायदा मेरे पे वीडियो है, मैंने चलते चलते उनकी वीडियो बनाई है। कल मानू नहीं पता था जी हमारे पे सवेरे हमला करेंगे, तो कल सवेरे हमें खेत में बैठे थे, कुछ और थे हमारे रिश्तेदार माने बुला रखे थे भी कितने मानू मारना दे, मारने की धमकी दे रखी थी इन्होंने। ये जमीन का झगड़ा है जी, इन्होंने बंदे बुला रखे थे रात के लिए, कम से कम 50 आदमी आ रहे थे। फिर मैंने फोन कर दिया जिप्सी नो, वो भाग गए, जिप्सी उनके पीछे लगी है वो बंदे का जी। सवेरे फिर इन्होंने खेत में जाकर बंदे बुला कर दोबारा फिर फोन कर दिया मानू 8 बजे जी, भी आओ खेत में आ गए मारा ना वो करो मान जी 9 बजे दी। इस चक्कर में भी एक बार घर आ जाए जी, वापिस आए नहीं जी, हम बार बार फोन कर दे रहे। तो अभी कितने लोगों को चोट लगी है आपके? हमारे 2 आदमियों को लगी।